इस अध्याय में हम कत्वतु प्रत्यय के विषय में विस्तार से जानेंगे। कत्वतु प्रत्यय का सामान्य नियम इस प्रकार से है, कत्वतु प्रत्यय में क और उ का लोप हो जाता है और तवत शेष रहता है। कत्वतु प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में भवत के समान और स्त्रीलिंग में भवती ईकारांत नदी की भांति चलते हैं। कत्वतु प्रत्यांत शब्द सदैव कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात कर्ता के विशेषण होते हैं। जैसे पठ धातु कत्वतु प्रत्यय पुल्लिंग में रूप बना पठितवान, नपुंसक लिंग में पठितवत और स्त्रीलिंग में पठितवती। इसी तरह से अन्य धातुओं के रूप बनेंगे, गम जमा कत्वतु गतवान गतवत गतवती, त्यज जमा कत्वतु त्यक्तवान त्यक्तवत त्यक्तवती, भिद जमा कत्वतु भिन्नवान भिन्नवत भिन्नवती, क्रीड जमा कत्वतु क्रीडितवान क्रीडितवत क्रीडितवती आदि। वाक्यों में इनका प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे, तेन गृहम गम जमा कत, तो वाक्य बन जाएगा गतम। सह गृहम गम जमा कत्वतु, तो रूप बन जाएगा गतवान। छात्रैः कविता पठ जमा कत, तो रूप बनेगा पठिता। छात्रा कविताम पठ जमा कत्वतु, तो रूप बनेगा पठितवती। मया मृगः दृश जमा कत, तो रूप बनेगा दृष्टः। और अहम् मृगम् दृश जमा कत्वतु, तो रूप बनेगा दृष्टवान या दृष्टवती आदि। अगले अध्याय में हम एक कृदंत प्रत्यय जो वर्तमान कालिक प्रत्यय है उसके विषय में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।